हेलो वन वेलकम एवरीवन टू कैनवस क्लासेस क्लासेज एंडसेल पारा सा स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा चैप्टर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें नंबर लाना आसान है भैया और जल्दी से रिवाइज करेंगे उसको बहुत प्यारे तरीके से तो स्टे विद मी विद दिस लेक्चर एंड एंड में जाके बताइएगा आपको कैसा लगा डेफिनेटली यू विल लर्न सो मच इन दिस पर्टिकुलर सेशन तो केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है जब किसी भी सिस्टम की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो जैसे आप कलर को देख सकते हो डेंसिटी को कंसेंट्रेशन को प्रेशर को वॉल्यूम को कंडक्टिविटी को सारी सारी जो प्रॉपर्टीज है दे स्टॉप चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे डू नॉट चेंज विद टाइम दैट पॉइंट इज कॉल्ड इट हैज रिच इक्विलिब्रियम तो इसको क्लासीफाई करने के लिए पहला तरीका हो गया फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिर्फ फिजिकल नेचर का डिफरेंस है जैसे कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है लिक्विड और वेपर के बीच में आ रहा है सॉलिड और वेपर के बीच में आ रहा है मतलब फिजिकली दे आर डिफरेंट केमिकली रिएक्टेंट भी वही है प्रोडक्ट भी वही है केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल नेचर डिफरेंट है रिएक्टेंट की केमिकल नेचर कुछ और है प्रोडक्ट की कुछ और है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है ठीक है एंड अनदर तरीका है क्लासिफिकेशन का होमोजीनस एंड हिट्रोजीनस इक्विलिब्रियम होमोजीनस एक ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसमें सारे के सारे सेम फेज में है मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या तो सभी गैसेस में होंगे या सभी सॉलिड में होंगे सभी लिक्विड में होंगे हिट्रोजिनस एक से ज्यादा फेज अवेलेबल है जैसे ये आपका एग्जाम्पल देखिए रिएक्टेंट में सॉलिड है प्रोडक्ट में सॉलिड है और एक गैस है तो एक से ज्यादा फेज हुए तो ये हिट्रोजिनस इक्विलिब्रियम है अब ये इक्विलिब्रियम अगर हम एक ओपन कंटेनर में अचीव करना चाहें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो भाग जाएगी गैस है निकल जाएगी बाहर तो बैकवर्ड रिएक्शन करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना जरूरी था ना वो तो नहीं बची तो ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्च हो पाएगा क्या नो हमें क्लोज वेसल ही यहां पे चाहिए होगा देन अब जैसे हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं ए प्लस बी बीज सीसी प्लस डी डी आपको पता है इक्विलिब्रियम पे रेट रेट ऑफ ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड कि जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है उतनी ही स्पीड से वो बैकवर्ड में भी जाता है बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट्स कौन है ए एंड बी है ना तो के एफ आ गया आपका रेट कॉन्स्टेंट फॉरवर्ड फॉरवर्ड रू एवर ए इंटू बी रेज पावर बी इज इक्वल टू के बी

ऐसा नहीं है कि चीजें बदल नहीं रही हैं प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं तो सब रुक गया है ठीक है नहीं भैया रिएक्शन हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे पार्टिकल्स आर स्टिल कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं बट हो कह रहा है जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना वापस वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप दो कदम आगे चल रहे हैं फिर दो कदम पीछे चल रहे हैं तो नेट आप कितना चले जीरो बट क्या आप रेस्ट पे थे नो आप नेट नहीं चल रहे दैट डजेंट मीन की मूवमेंट ही नहीं है रिएक्शन जितना फॉरवर्ड में, में जा रहा है तो वो ऐसा ही आएगा मतलब रिएक्शन ये फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होता जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है ज्यादा ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा शुरुआत में धीरे धीरे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे उनके बीच में कोलिजन कम होते जाएंगे तो उनकी रिएक्ट करने की जो

इस दौरान एक दूसरे को क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे वो डिपेंड करेगा गिवन कंडीशन और गिवन कंसंट्रेशन की वैल्यूज क्या दी गई हैं बट कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंसंट्रेशन एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएंगी देन इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन मतलब अगर आप रिएक्टेंट से शुरू करें तो भी प्रोडक्ट की तरफ जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर लेके स्टार्ट करेंगे तभी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है रिएक्शन सिर्फ फास्ट हो जाता है मतलब जो आपका के इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज तब होती है जब आप टेपरेचर बदलते हैं और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी आपका जीरो हो जाता है आपका तो ये पर रिएक्शन का जीरो होगा राइट और ये रिएक्शन तो आपने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मुला डेल्टा जी टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम तो अगर आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू पता तो के इक्विलिब्रियम निकल जाएगा के इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर पता तो डेल्टा जी नॉट निकल जाएगा एंड डेल्टा जी

Non delta G positive की तरफ चलता है मतलब शुरुआत से बिल्कुल हंड्रेड परसेंट खत्म हो गया रिएक्शन को तो कुछ ऐसा जाएगा मतलब गिब्स एनर्जी लगातार डिक्रीज करती है ऐसे समझो कि यहां से अगर मैं बॉल को गिराता हूं तो वो पूरा यहां तक पहुंच रहा है ठीक है बट अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें जो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है बीच में कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है गिब्स एनर्जी का मतलब गिब्स एनर्जी अपने मिनिमम पॉइंट पे यहीं पे पहुंच गई हंड्रेड से पहले समझ रहे हो ये आपका क्या है यहां पर आपका हंड्रेड है ठीक है इधर तो यहां से पहले ही गिब्ज एनर्जी अपना मिनिमम पे आ गया गिब्स एनर्जी जब मिनिमम पे आ जाता है वही तो सबसे स्टेबल पॉइंट है तो रिएक्शन बोलेगा मैं आगे क्यों जाऊं जब मैं स्टेबल पॉइंट पे पहुंच चुका हूं तो यहां से अगर आप बॉल को छोड़ते हैं तो अल्टीमेटली वो यहां पे सेटल हो जाएगी तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ रिएक्शन जो रिवर्सिबल है वर्सेज जो कंप्लीशन तक जाता है ठीक है के केपी के सी क्या होते हैं केपी इज जब इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो केपी कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो केसी ठीक है तो केप Kc टू के सी आर टी रेस्ट डेल्टा ng कैसे निकालते हैं डेल्टा एनजी होता के जैसे इस में, में के है इस रिएक्शन में प्रोडक्ट तो मतलब में गैस के मोल कितने हैं सिर्फ एक रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने जीरो तो वन माइनस जीरो मतलब मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल इज डेल्टा एनजी और डेल्टा एनजी व्हाट इज पी टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर समझे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स कांस्टेंट तो केपी के यूनिट्स हो गए एटमोस्फेयर रेस्ट अबाउट डेल्टा एनजी सी की होगी मोल पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा एनजी और के एक्स हो गया आपका यूनिटलेस ठीक है और ये टू थ्री वन टू ये क्या है दी आर कॉल स्टॉक्यूमेट्री कॉफिशेंट तो क्यू क्या होता है रिएक्शन कोशेंट मतलब रिएक्शन भैया कहां तक पहुंचा है क्योंकि जब ये रिएक्शन शुरू होगा स्टार्टिंग में ए और बी की, की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी सी और डी क्या होंगे जीरो तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जीरो अब जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा सी और डी बढ़ने लगेंगे ए और बी घटने लगेंगे तो बेटा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है क्यू की वैल्यू भी बढ़ती है तो क्यू की वैल्यू जितनी हाई है उससे आपको पता लगता है कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है ठीक है समझ आ गया तो इसे इसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं आईक्यू को बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट आपकी कितनी इंटेलिजेंस है आईक्यू से पता लगता है तो वैसे रिएक्शन कितना आगे जा चुका है वो उसके क्यू की वैल्यू से पता चलता है

राइट right? तो क्यू और के की वैल्यू को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम से आगे जा चुका है या आप थोड़ा पीछे है तो अब वो फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपको क्या पता चलता है देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली ये बताता है कि यार कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्यों जा रहा है होगा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर अ रिएक्शन टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हायर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम क्या इंडिकेट करती है कि भैया उसको प्रोडक्ट में जाने की इच्छा है इट वॉन्ट टू गो इन टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड तो हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट मतलब 10 raised to power 3 से ज्यादा वैल्यू अगर आ रही है तो उसका मतलब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट से काफी ज्यादा मतलब प्रोडक्ट फेवरेबल है ठीक है अगर बहुत लो वैल्यू है टेन रेज टू बाइनस थ्री से कम है तो मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है प्रोडक्ट से तो रिएक्टेंट ज्यादा फेवरेबल है ठीक है देन के इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम क्या हो गया आपका ये डजेंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे घटा दोगे प्रोडक्ट को बढ़ाओगे घटाओगे कैटलिस्ट डालोगे नहीं डालोगे प्रेशर वॉल्यूम इन पे डिपेंड नहीं करता इनकी वेरिएशन से के इक्विलिब्रियम को असर नहीं पड़ता के इक्विलिब्रियम चेंज होता है जब टेम्परेचर बदलता है तो डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द टेमप्रचर नाउ तो वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे पता लगती है हमें वेंट हॉफ इक्वेशन के थ्रू तो वेंट ऑफ इक्वेशन में ये थोड़ा सा गिब्स हेलम इक्वेशन से डिराइव किया जाता है ये आपका आता है फ इक्वेशन आई नो कि अगर आप लोगों को यह याद है तो याद है अगर नहीं याद है तो ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है ठीक है डोंट वरी जस्ट शक्ल से देख लो कुछ मिलता जुलता मिल गया तो मतलब समझ लेना कि हाँ सर यह है ठीक है अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है एंडोथर्मिक है यहां पर तो क्या हो जाएगा केपी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर तो के पी इंक्रीज विथ टेम्परेचर एंडोथर्मिक का मतलब है कि बेस्को हीट चाहिए तो अब दोगे तो वो खुश होगा आगे जाएगा आगे जाएगा मतलब केपी बढ़ेगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मतलब वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा डेल्टा एच अगर नेगेटिव है वो हीट, हीट रिलीज कर रहा है अगर वो हीट रिलीज कर रहा है तो आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो टेम्परेचर लोअर करके तो के पी तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर लोअर करोगे तो इन दिस केस केपी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीज समझे तो ये आपकी वेरिएशन थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है कि डेल्टा एच का क्या रिलेशन है ठीक है के पी टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वो डेल्टा एच पे डिपेंड करता है तो अल्टीमेटली आप इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं दिस इज द मेन इक्वेशन जो आपको याद रखनी होती है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज नेचुर के वन इज टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर वन अपॉन्ट टी वन माइनस वन अपॉइंट टी टू मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज आई के वन एंड के टू और वो दो अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी है तो डेल्टा एच नॉट अगर आपको पता है तो बस यू कैन फाइंड आउट दो टेम्परेचर दिए एक के दिया हुआ है तो दूसरा के निकालोगे दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं पर एक टेम्परेचर दिया तो दूसरा टेम्परेचर निकालोगे वाला फॉर्मुला भी याद रखिए ठीक है क्योंकि इसी से वो फॉर्मुला डिराइव हुआ है कि नेचुरल लॉग के इज इक्वल माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस कॉन्स्टेंट तो इस फॉर्मुला को अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से वाई इज इक्वल टू तो सी प्लस एम एक्स से या एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो यू विल फाइंड कि नेचुरल लॉग के वर्सेस वन अपॉन टेम्परेचर का जो ग्राफ है

नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइक दिस रिएक्शन जो डिकम्पोज हो रहा है ए एन एन पार्टिकल्स में टूट रहा है मतलब एक पार्टिकल एन पार्टिकल्स में टूट रहा है जैसे ए टू आपका टू ए में टूटा तो एक पार्टिकल से दो बने तो यहां पे एक पार्टिकल से एन पार्टिकल बन रहे हैं तो इनिशियल कंसेंटेशन ए इसका एट इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स इसको एन एक्स लिख लिया ठीक है अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमाउंट डिसोसिएटेड जो एक्स है डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट जो स्टार्टिंग में लिया था हमने ए तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितने आएंगे

तो वेपर डेंसिटी का अल्फा के साथ क्या रिलेशन है ये फॉर्मला आप डायरेक्टली याद कर लीजिए अगर आपको और कुछ समझ नहीं भी आया तो ये याद कर लीजिए यह डायरेक्टली इसके ऊपर ग्राफ आ जाता है जैसे डी बाई डी वर्सिज अल्फा का ग्राफ आपको प्लॉट करना है तो ये आपका वाई एक्सिस में रहेगा ठीक है सी प्लस एम एक्स तो आप इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करके इसकी ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं बड़े आसानी से प्लॉट कर सकते हैं देन लीच एटली प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट वन जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं थेरेटिकल क्वेश्चन आते हैं दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देखिए लीच एटली प्रिंसिपल सिंपली ये बोलता है कि बॉस अगर किसी भी इक्लिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे थोड़ी देर बाद वापस अपने पे आ जाएगा जैसे मान लीजिए ये एक ठीक है बॉल है हमारे पास यहां पर एक बॉल को मैंने रखा मार्बल को छोड़ दिया थोड़ी देर बाद वो यहां पर पोजिशन आके बीच में सेटल हो जाएगा अगर मैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं किसी भी डायरेक्शन में तो वो थोड़ा हिलेगा हिलेगा धीरे 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 फिर से अपनी इक्लिब्रियम वाली पोजिशन पे आ जाएगा तो किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि हम इक्लिब्रियम पे रहें तो अगर आप किसी भी सिस्टम को जो ऑलरेडी इक्विब्रियम पे है डिस्टर्ब करते हो तो वो वापस इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करता है अब उस कोशिश के लिए वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा वो सिस्टम में जिससे कि वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो देखिए पहला केस क्या होगा हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज तो अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो क्या होगा देखिए रिएक्टेंट अगर आपने बढ़ा दिए तो बोलेगा यार ये एक्स्ट्रा आ गया इसको, चलो इसको खर्चा करो यार इसको क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हम हम पहले खुश थे तो अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिए तो उनको खर्च करने की बात करेगा वो तो रिएक्टेंट खर्च कब होते हैं फॉरवर्ड में जाते हैं तो रिएक्शन को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है अब अगर रिएक्टेंट कम हो गए तो वो परेशान हो जाएगा भैया ये तो कम हो गया स्टॉक अरे भैया और लेके आओ तो रिएक्शन और कैसे बनेंगे जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो रिएक्टेंट घटाने पर बैकवर्ड आता है प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो उसको उसको कंज्यूम करना है कैसे कंज्यूम हो जाएगा प्रोडक्ट बैकवर्ड जाके तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा प्रोडक्ट अगर घटा दिए तो बोलेगा यार घट गया है वापस से उतने पे लाओ जितने पे था तो फॉरवर्ड जाना पड़ेगा ठीक है मतलब बड़ी हुई चीज को बोलेगा कम करो कम वाली चीज को बोलेगा बढ़ाओ नेक्स्ट सेकंड इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज देखिए वॉल्यूम और प्रेशर को दोनों आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम राइट तो प्रेशर चेंज बोलिए वॉल्यूम चेंज बोलिए बात दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही है तो वॉल्यूम जब बढ़ता है तो प्रेशर आपका घटता ही है ठीक है इसलिए जैसे ये आपका रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एच टू गिव टू एन एस थ्री अब इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए तो मैं तो समराइज ही कर रहा हूं बेटा रिएक्टेंट में कितने गैस के मोल हैं वन प्लस थ्री रिएक्टेंट में गैस के चार मोल हैं प्रोडक्ट में दो है आपको पता है ना प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल मोल जहां ज्यादा होंगे वहां प्रेशर ज्यादा होगा ओके बच्चे अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो क्या होगा प्रेशर सडनली कम हो जाएगा प्रेशर सडनली कम हो गया अभी परेशान हो गया यार प्रेशर कम हो गया प्रेशर कम हो गया क्या करें तो ये बोलेगा प्रेशर बढ़ाओ कैसे बढ़ेगा प्रेशर बढ़ता है नंबर ऑफ मोल बढ़ा के नंबर ऑफ मोल ज्यादा किधर है रिएक्टेंट में तो बोलेगा चलो रिएक्टन में चलते हैं क्यों क्योंकि प्रोडक्ट के दो पार्टिकल टूट के चार बना रहे हैं तो दो से चार बन रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं ना यार नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड जा रहा है इस केस में वॉल्यूम बढ़ा रहे हो अच्छा प्रेशर घट गया अब वो बोल है प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा तो जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है किसके गैसेस के सॉलिड को काउंट नहीं करना है गैस को काउंट करना है तो गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा कहां पे है प्रोडक्ट में तो बोलेगा चलो फॉरवर्ड चलो प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं अब यहां रिएक्शन में भी दो है प्रोडक्ट में भी दो है तो वॉल्यूम तुम इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि तो फॉरवर्ड में जाओगे तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आया दो से दो बन रहे हैं बैकवर्ड आओगे तो भी दो से दो बन रहे हैं तो जब डेल्टा एनजी आपका जीरो है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी आपका जीरो है तो कोई चेंज नहीं होता तो बच्चे इसको रट लेते हैं सर डेल्टा एनजी जीरो में कोई चेंज नहीं होता पॉइंट इज क्यों नहीं होता दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इनर्ट गैस अगर कॉन्स्ट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं कोई चेंज नहीं होता क्यों क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन आर टी अपॉन वॉल्यूम राइट अगर आपने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखा है और जिस जो भी गैस है ए बी सी डी जो भी है मतलब एन टू एच टू अमोनिया इनके नंबर ऑफ मोल कॉन्स्टेंट है एन कॉन्स्टेंट है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर रहे तो बच्चे जो प्रेशर ऑफ एनी गैस होता है वो एन आर टी अपॉन वॉल्यूम होता है वॉल्यूम को आपने चेंज नहीं किया नंबर ऑफ मोल को आपने चेंज नहीं किया जो ये गया वाली हैं, जो रिएक्शन वाली गैसेज है टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं किया तो प्रेशर ही चेंज नहीं होगा जब प्रेशर ही चेंज नहीं हो रहा तो डिस्टर्ब ही नहीं होगा तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इनर्ट गैस डालने से सेक्म को फर्क नहीं पड़ता क्यों वो बोल रहा है कि मेरा एक्सप्रेशन ये है जब तक ये एक्सप्रेशन चेंज ना हो डिस्टर्ब ना हो तब तक थोड़ा डिस्टर्ब हुआ समझे तो अमोनिया का प्रेशर चेंज नहीं हुआ एन का चेंज नहीं हुआ एच का चेंज नहीं हुआ इसलिए एडिशन ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मेक एनी डिफरेंस बट अगर आप एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर करते हो ठीक है तो क्या होगा तो बात वही आगे ठीक है कॉन्स्टेंट प्रेशर भी आपने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पार्टिकल डाल दिए हैं तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रखने के चक्कर में वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां जाने से क्या हो गैसेज मोल्स जहां ज्यादा है क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो इंडिविजुअल प्रेशर घटते हैं सबके क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सल प्रमोशन टू वॉल्यूम सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इंडिविजुअल प्रेशर घटेंगे तो ये प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है ठीक है तो ये इसके तीन केसेस देख लीजिए ओके okay, डन समझ आ गया तो अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट से कैनवस कहना ग्रो करेगा एंड थैंक यू फॉर दिस लवली अमेजिंग सेशन मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थैंक यू